हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश क्लास। अभी तक हम लोगों ने तीनों इंडेफिनेट टेंसेस देखे, किस तरह से उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। अब इसके बाद अपन आज अभी शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नाम से जाहिर है कंटिन्यूअस, जिसमें काम चल रहा है, प्रोग्रेसिव है, लगातार कंटिन्यूएशन में है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट। आप देख सकते हैं तीन सहायक क्रियाएं हैं इसमें, इज एम और आर। इन सहायक क्रियाओं का इस्तेमाल किस किस सब्जेक्ट के साथ में होता है, इसको एक बार समझ लेंगे। सबसे पहले, सबसे सरल, एम। इट इज यूज्ड विथ आई, आई के साथ एम। सिंगुलर नंबर जितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास में, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन करता, एक वचन करता, ही शी इट, इनके साथ में आप यूज करेंगे इज। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स, जैसे यू, वी और दे, इनके साथ आप यूज करेंगे आर। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स आपको दिख रही हैं इज एम आर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आप इनको लेंगे और सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। जैसे शी इज कुकिंग फूड, कुक करने का मतलब पकाना, बनाना, फूड भोजन। अब इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव में बदलना है, आपके पास ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है, सिंपली शी इज नॉट कुकिंग फूड, ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव वन, पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आइए, इज शी कुकिंग फूड, ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपने देखा जो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी यहां पर हैं, उसमें सिर्फ नॉट लगाने से या उसको सब्जेक्ट के सामने लाने से उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में बदला जा सकता है। यू आर डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कर रहे हो। आर हेल्पिंग वर्ब आपके पास ऑलरेडी है, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम नहीं कर रहे हो। अब आर को आप
सब्जेक्ट के सामने लाइए. आर यू डूइंग योर वर्क? ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस. बहुत सिंपल है, रिवाइज कर लीजिए. सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, वर्ब अपने आई एन जी फॉर्म में, और ऑब्जेक्ट इज एम आर का यूज, आई के साथ आप एम यूज करेंगे. ही शी इट जो कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हैं उनके साथ आप इज यूज करेंगे. प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे यू वी दे हैं इनके साथ आप आर यूज करेंगे. आपको नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली जो हेल्पिंग वर्ब है वहाँ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट उसमें नॉट लगाना है. जो हेल्पिंग वर्ब वहाँ पर है उसको अगर आप सब्जेक्ट के सामने लगा देते हैं सेंटेंस बिकम्स इंट्रोगेटिव. क्लियर? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट टेंस विच इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही चेंज है जो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग इज एम आर वी शैल यूज वॉज वेयर. इज एम आर की जगह हम इस्तेमाल करेंगे यहां पे वॉज या वेयर. यहां आपको देखना है कि वॉज का इस्तेमाल किसके साथ होगा और वेयर का इस्तेमाल किसके साथ होगा. वॉज एंड वेयर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही शी इट, इनके साथ इस्तेमाल होगा वॉज. वन थिंग मोर यू मस्ट रिमेंबर, एक चीज और जो आपको याद रखने की है, आई के साथ भी आप वॉज का इस्तेमाल करेंगे. अभी तक हम हेल्पिंग वर्ब्स जितनी भी यूज कर रहे थे हम आई को प्लूरल नंबर ट्रीट कर रहे थे, डू लगा रहे थे उसके साथ में, लेकिन यहाँ पे आई के साथ हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे. हमारे जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स हैं जैसे यू वी दे, इनके साथ में इस्तेमाल होगा वेयर. ठीक है, जैसे यू वेयर टेकिंग द एग्जाम्स, तुम एग्जाम दे रहे थे. अब ऑलरेडी यहां पे हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, आपको नेगेटिव बनाने के लिए सिंपली इसमें क्या लगाना है, नॉट. यू वेयर नॉट टेकिंग द एग्जाम्स और इसी वेयर को जब आप सब्जेक्ट के सामने लगा देंगे वेयर यू टेकिंग एग्जाम्स तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा. शी वॉज
राइटिंग अ पोएम, वह एक कविता लिख रही थी. शी वॉज नॉट राइटिंग अ पोएम. एंड टू मेक इंट्रोगेटिव, वॉज शी, क्या वह एक कविता लिख रही थी? राइटिंग अ पोएम. मेरे ख्याल से इतने एग्जाम्पल सफिशियंट हैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझने के लिए. सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, वॉज और वेयर, कहाँ पर वॉज का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर वेयर का. चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं. जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे. अब यहाँ पे आपके पास में बच्चे शब्द है, तो बच्चों के लिए क्या आ जाएगा? चिल्ड्रन. द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल. मेक नेगेटिव, आपको नेगेटिव बनाना है. कैसे करेंगे? द चिल्ड्रन वेयर नॉट प्लेइंग फुटबॉल. And where children playing football? Where children playing football? क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे? इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं. अब देखेंगे हम अगला टेंस कंटिन्यूअस में ही, जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यहां इस टेंस को थोड़ा ध्यान से देखने की जरूरत है. कारण यहां दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक शैल विल और दूसरी बी. आपके सामने क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आप नॉट लगाएंगे तो कहां लगाएंगे? आपके पास में दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं. या अगर आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के सामने लाया जाए, दैट इज द क्वेश्चन. एक छोटा सा रूल है जो आपको दिमाग में रखना है. ये तो ऐसा टेंस है जिसमें सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अभी आगे एक टेंस आएगा जिसमें तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स होंगी, और उस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा. करेक्ट? चलिए देखते हैं. जैसे इसमें स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट शैल विल बी, वर्ब विथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब बी. केयर ये करना है कि नॉट जो आप लगाएंगे, नॉट आपको फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है.
उसी तरह से जब आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को ही आप सब्जेक्ट के सामने लाएंगे। सेकेंड हेल्पिंग वर्ब एज इट इज रहेगी जहां पर है, आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। जैसे शी विल बी बाइंग वेजिटेबल्स, शी विल बी बाइंग वेजिटेबल्स। अब आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, वह सब्जियां खरीद रही होगी। शी विल नॉट बी बाइंग वेजिटेबल्स, और यही जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इसको आप शी के सामने ले आएंगे। विल शी रिटेन द सेकेंड हेल्पिंग वर्ब इन इट्स प्लेस, विल शी बी बाइंग वेजिटेबल्स। ये आपने बना दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ध्यान रखना है नेगेटिव बनाते समय फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप नॉट लगाएंगे, और इंटरोगेटिव बनाते समय आप फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के सामने लेके आएंगे। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात आपको नहीं आनी चाहिए कि दो दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं कैसे करना है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से एक सेंटेंस और देखिए, दे विल बी लर्निंग इंग्लिश, वे अंग्रेजी सीख रहे होंगे। ठीक है, दे विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, दे विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश, और ये जो आपकी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है इसको दे के सामने ले आइए। विल दे बी लर्निंग इंग्लिश, शैल और विल का यूज मैंने आपको ऑलरेडी बताया है जब आपको मैं टेंस के यूजेस बता रही थी। अगर आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, आई और वी जो हमारे फर्स्ट पर्सन्स हैं उनके साथ में हम क्या यूज करेंगे, शैल। यू सेकेंड पर्सन है, इसके साथ में विल, ही, शी, इट और दे, इनके साथ भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विल का। पर जैसा मैंने आपको बताया था कि आज अभी जो मॉडर्न ग्रामर है उसमें फ्रीक्वेंटली यूज होता है विल सभी के साथ में, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। पर ये एक स्टैंडर्ड ग्रामर है ब्रिटिशर्स का जिसमें फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ में विल का इस्तेमाल होता है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हैं, एटलीस्ट दे मस्ट नो कि शैल और विल को हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे। नाउ अगले टेंस में हम चलते हैं जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस परफेक्ट मीन्स कंप्लीट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण कंप्लीट। अगर इसका स्ट्रक्चर आपको ध्यान हो, हम यहां जो हेल्पिंग वर्ब इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज हैज एंड हैव, और मुख्य क्रिया इसमें अपने थर्ड फॉर्म में रहती है। सब्जेक्ट दो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं इसमें हैज और हैव, कहां हैज यूज करेंगे कहां हैव यूज करेंगे मैं आपको बताती हूं।
मुख्य क्रिया तीनों ही परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म में रहती है। आपको इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखना है। और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में, और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। केयर कीजिएगा हैज और हैव का यूज, जहां पे एक वचन करता रहेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, जैसे ही शी इट, ही शी इट, आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे हैज। जो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है यानी बहुवचन करता, जैसे बता सकते हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, दे, इनके साथ आप यूज करेंगे हैव। ठीक है, जैसे शी हैज डन हर वर्क्स, वह अपना काम कर चुकी है, कर चुकी है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कर चुकी थी पास्ट परफेक्ट टेंस, और कर चुकी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वह अपना काम कर चुकी है, वह अपना काम नहीं की है। शी हैज नॉट डन हर वर्क्स, इंट्रोगेटिव बनाते समय हैज She done her works। क्या वह अपना काम कर चुकी है? ठीक है, उसी तरह से You have studied hard। तो मेहनत कर चुके हो, बहुत पढ़ाई कर चुके हो, और चलिए इस कोशिश करिए इसको नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। आपने कोशिश करके देखा, बनाया, क्या करना है इसमें? हैव के साथ हम क्या लगाएंगे? नॉट, यू हैव नॉट स्टडीड हार्ड, काफी मेहनत तुमने नहीं की है, है ना? और जब हम इसमें हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैव यू स्टडीड हार्ड। ठीक है, वी हैव परचेज्ड, हमने एक कार खरीदी है, वी हैव परचेज्ड अ न्यू कार। बनाइए नेगेटिव, आपको सिंपली क्या लगाना है हैव के साथ? नॉट, क्या हो जाएगा? वी हैव नॉट परचेज्ड अ न्यू कार। हैव को आप सामने लगा दीजिए, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, हैव वी परचेज्ड अ न्यू कार। दैट्स इट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एकदम क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं अगला टेंस विच इज पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस प्रेजेंट और पास्ट परफेक्ट टेंस में सिर्फ एक ही चेंज है जो आपको ध्यान देना है. आपने जैसे यहां दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज की हैं हैज और हैव, यहां पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी और वो कौन सी होगी? हैड. इसमें सिंगुलर प्लूरल वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको सभी सब्जेक्ट्स के साथ में क्या लगाना है? सिंपली हैड लगाना है. कोशिश कीजिए कोई एग्जाम्पल अगर आप लोगों से बनता है तो. हम लोग इतने सारे एग्जाम्पल्स कर चुके हैं, कोई एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश कीजिए. पास्ट परफेक्ट टेंस कोई काम भूतकाल में हो चुका था. वे कहानियां पढ़ चुके थे. बनाइए सेंटेंस. वे कहानियां पढ़ चुके थे. वे के लिए क्या आएगा? दे. वेरी गुड, वेरी गुड. दे हैड. पढ़ने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रीड. तो रीड का जब थर्ड फॉर्म बोलेंगे यहां पर तो क्या हो जाएगा? रेड. They had read stories. Negative बनाइए. They had not read stories. और interrogative. आपको had कहाँ ले जाना है? सब्जेक्ट के सामने. हैड दे रेड स्टोरीज. ओके, राम हैड सीन अ फिल्म. राम एक फिल्म देख चुका था. नेगेटिव बनाइए. राम हैड नॉट सीन अ फिल्म. और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के सामने लाइए. हैड राम सीन अ फिल्म. तो बाकी टेंसेस की तुलना में ये इजीयर है क्योंकि यहां सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है. आपको सिंगुलर और प्लूरल में कहीं कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं. जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सबके साथ आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है विच इज हैड. अब हम अपने नेक्स्ट टेंस में चलते हैं जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस काम भविष्य में एक गिवन टाइम पे एक सर्टन टाइम पे कंप्लीट होगा. इसके लिए जो स्ट्रक्चर है आप रिकॉल कीजिए. हमारे पास यहां भी डबल हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे. एक तो फ्यूचर टेंस की जो आइडेंटिफाइंग हेल्पिंग वर्ब होगी शैल या विल, और दूसरी जो आप इंट्रोड्यूस करेंगे परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब के रूप में जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के केस में होगी ओनली हैव. ओनली हैव, देयर इज नो हैज. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट में आपके पास में हैज हैव थी, पास्ट परफेक्ट में आपके पास में हैड थी, पर यहां आपके पास सिर्फ शैल विल के साथ होगी हैव. तो ये जो स्ट्रक्चर होगा इस तरह से सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल,
देन हैव। मुख्य क्रिया या मेन वर्ब, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, वर्ब अपने कौन से फॉर्म में जाएगी? थर्ड फॉर्म में। यू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ओके, कोई काम भविष्य में एक सर्टन टाइम पे हो चुका होगा, ठीक है? जैसे यू विल हैव मेड अ टॉय। टॉय का मतलब क्या होता है? खिलौना, ठीक है? तुम एक खिलौना बना चुके होगे, ठीक है? अब यहां देखिए, आपके पास में विल एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है, हैव एक और हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हमको करना क्या है? नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगाना है, जो लगेगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में। यू विल नॉट हैव मेड अ टॉय। और अगर हमको इसको इंट्रोगेटिव बनाना है, विल यू हैव मेड अ टॉय, ये नेगेटिव बन गया एंड दिस वन इज इंट्रोगेटिव। The girls will have made paper flowers. Paper flowers जानते हैं? Paper flowers यानी कागज के फूल। लड़कियां कागज के फूल बना चुकी होंगी। चलिए चेंज करिए नेगेटिव में। कोशिश कीजिए। Come on, speak out. The girls will not, yes, exactly, will not have made paper flowers. अब आपको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। Will the girls have made paper flowers? Understood? Is there any problem? आपको clear हो गया बिल्कुल? अगला tense है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक बार रिकॉल कीजिए उस स्ट्रक्चर को जो अभी आप लोगों ने पढ़ा है। परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस। दोनों का इंडिकेशन आएगा इस टेंस में। परफेक्ट के लिए आप हैज हैव यूज करेंगे, कंटिन्यूअस के लिए आप वर्ब के साथ आईएनजी यूज करेंगे और साथ ही आप यूज करेंगे एक और हेल्पिंग वर्ब दैट विल गो इन बिटवीन देम
विच इज बीन. स्ट्रक्चर सबसे पहले आ जाएगा. सब्जेक्ट हैज या हैव. आप इसके साथ यूज करेंगे बीन. वर्ब के साथ आईएनजी और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट. जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, वे सुबह 5 बजे से पढ़ रहे होंगे. ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करते हैं. वे के लिए दे, हमने आपको हैज हैव का यूज ऑलरेडी बताया हुआ है परफेक्ट टेंस में. हैज का इस्तेमाल हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ करते हैं. तो यहां हमारे पास में दे है, तो हम हैज यूज करेंगे या हैव? हैव यूज करेंगे. वेरी गुड. दे हैव बीन सुबह 5 बजे से पढ़ रहे होंगे. पढ़ना ओके. वर्ब विद आईएनजी के साथ हमको लेना है, क्या आएगा? यहां हम एक चीज बता दें बेटा आप लोगों को, एक होता है पढ़ना और एक होता है डीप स्टडी करना. सुबह 5 बजे से पढ़ रहे होंगे तो ये वर्ब अपन रीडिंग के बजाय, रीड तो अपन कैजुअली न्यूज़पेपर भी करते हैं, रीड हम कोई किताब भी करते हैं, कहानी की किताब, कविता की किताब, कोर्स की किताब. तो जो वर्ब अपन यहाँ, जो हमारे सेंटेंस का मतलब है सुबह 5 बजे से पढ़ रहे होंगे, मतलब वो स्टडी कर रहे होंगे, तो वर्ब अपन लेंगे स्टडीइंग. ओके, दे हैव बीन स्टडीइंग. पांच बजे सुबह, तो 5 बजे सुबह आपको पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है. ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह 5 बजे. आप सिंस यूज करेंगे या फॉर यूज करेंगे? वेरी गुड, सिंस यूज करेंगे. सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग. सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन अगर इसको आप स्ट्रक्चर वाइज देखें तो इट इज वेरी सिंपल. ठीक है, अब आपको यहां पे आप देखिए दो हेल्पिंग वर्ब. अगेन यू हैव टू हेल्पिंग वर्ब्स, एक हैव भी है और एक बीन भी है. हमको नॉट लगाना है तो जो रूल है हमारा, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को देखिए बस, फॉरगेट अबाउट सेकेंड. ठीक, तो क्या हो जाएगा? दे हैव नॉट बीन स्टडीइंग they have not been studying since 5 o'clock in the morning. और अब आपको इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है. कैसे करेंगे? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है उसको सब्जेक्ट के पहले ले आइए. हैव दे बीन स्टडीइंग सिंस 5 o'clock इन द मॉर्निंग. 5 o'clock in the morning. ठीक है, क्लियर हो गया, बन जाएगा कि एक आध एग्जाम्पल और करें, बन जाएगा. ओके एवरीबॉडी,
ध्यान बस इतना रखना है कि डबल हेल्पिंग वर्ब है, बट दैट मेक्स नो डिफरेंस. आपको नॉट यूज करना है नेगेटिव लगाने के लिए, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगाइए. और उसी हेल्पिंग वर्ब को आप जब सब्जेक्ट के सामने लगा देंगे तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? प्रश्नवाचक बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा. ओके, नाउ द नेक्स्ट टेंस विच विल टेक इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ एक ही चेंज है इसमें. आप बता सकते हैं कौन सा चेंज है? वेरी गुड, हैज हैव को आप रिमूव कर दीजिए, यहां पे आ जाएगा हैड. एवरीथिंग विल बी द सेम एक्सेप्ट फॉर दिस. सिर्फ आपको हैड हटाना है, बाकी वही बीन, वही वर्ब विद आईएनजी एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट. ठीक, बाकी कहीं कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है. चलिए सेंटेंस देखते हैं. कोई काम पास्ट में एक सर्टन टाइम से स्टार्ट होके कंटिन्यू टिल कंटिन्यूएशन में है, तब तक चल रहा है. काम का आधा हिस्सा हो चुका है और आधा हिस्सा अभी भी कंटिन्यूएशन में है. तो चलिए इस तरह के सेंटेंसेस देख लेते हैं कैसे बनते हैं. जैसे वे नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे, वे दो घंटे से नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे. बनाइए, दो घंटे से नॉवेल्स पढ़ रहे होंगे. इट्स वेरी सिंपल. दे हैड बीन स्टडीइंग नॉवेल्स दो घंटे से. दो, हाँ, सिंस लगाएंगे कि फॉर? फॉर, एग्जैक्टली फॉर टू आवर्स. नेगेटिव बनाइए. क्या करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए? आपको यहां पे क्या लगाना है? नॉट. दे हैड नॉट बीन स्टडीइंग novels novels for 2 hours. interrogative ke liye had they been studying novels for 2 hours. क्लियर? आपने देखा इस तरह से बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, बल्कि ये इजी है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है. अब लास्ट टेंस हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसमें एक चेंज होगा यहां पे. सब्जेक्ट के बाद शैल विल आइडेंटिफाइंग फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब, दूसरी हेल्पिंग वर्ब हैव, तीसरी हेल्पिंग वर्ब बीन. ख्याल रखना है इस चीज का. वर्ब विद आईएनजी और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे. कोई काम भविष्य में आधा कंप्लीशन पे है, आधा अभी भी प्रोग्रेसिव है, स्टिल गोइंग ऑन. परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल
शी विल हैव बीन वॉचिंग मूवीज ऑन द टेलीविजन. ठीक है, शी विल हैव बीन वॉचिंग मूवीज ऑन द टेलीविजन. चलिए नेगेटिव करते हैं इसको. आपको ध्यान रखना है शैल विल जो है ये फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब हैव सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है, बीन जो है वो थर्ड हेल्पिंग वर्ब है. लेकिन डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, हमारा काम सिर्फ कहाँ तक है, पहली हेल्पिंग वर्ब तक. नेगेटिव बनाना है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाइए, बाकी एज इट इज कोई चेंज नहीं. शी विल नॉट हैव बीन watching movies on the television. Likewise, आपको will को सामने लेना है. Will she have been watching movies on the television? हेल्पिंग वर्ब रहेगी, लेकिन आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते समय सिर्फ ध्यान देना है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के ऊपर में. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आप सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव हो जाएगा. इस तरह से आपने देखा कि डिफरेंट टेंसेज में जितने टेंस फॉर्म थे हमारे पास, 12 टेंस फॉर्म्स, उसमें किस तरह से हम सेंटेंस एफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव के साथ ही इंट्रोगेटिव में भी चेंज करते हैं, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स किस किस टेंस में होती है, कौन से ऐसे टेंसेस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती और हमको इंट्रोड्यूस कराना होता है, और उस समय कौन से ऐसे नेसेसरी चेंजेस हैं जो हमको करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट. ठीक है, एक बार जिस तरह से हमने आपको स्टार्टिंग पीरियड में बताया था कि आप इसको डिफरेंट कॉलम्स बना के, टेंसेस को डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइड करके, अलग अलग उनके स्ट्रक्चर्स और एग्जाम्पल को नोट करके एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे, तो दैट विल हेल्प यू इन डिफरेंशिएटिंग वन टेंस फ्रॉम द अदर. एक टेंस को दूसरे टेंस से डिफरेंशिएट करने में आपको मदद मिलेगी. लाइकवाइज इसको भी आप उसी तरह बना लीजिए जिससे आपको एक साथ सारा अंतर टेंसेस के बीच में समझ में आ सके. थैंक यू.